धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने इस एमसीडी के यूनिफिकेशन के मुद्दे पे मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे विजेंद्र गुप्ता जी चले गए, वरना उन्होंने कई चीज, हाँ जी बाहर से देख रहे हैं, अच्छा चलिए वो अंदर आ जाते तो हमें अच्छा लगता। तो जैसा आप जानती हैं अध्यक्ष महोदय कि 9 मार्च को एमसीडी के चुनाव की घोषणा होनी थी। 9 मार्च को जो हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं एसके श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा कि हम आज शाम को 5 बजे एमसीडी चुनाव की घोषणा करेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का न्योता दिया कि उससे 2 दिन पहले वो पूरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइंस, पदयात्रा हो सकती है कि नहीं हो सकती, रैली हो सकती है कि नहीं हो सकती, सारी गाइडलाइंस निकाल चुके थे। उन्होंने सुबह मैसेज भेजा कि आज शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और चुनाव की तारीख घोषित की जाएगी। शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सारी मीडिया वाले वहां पहुंचते हैं, तो वहां पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बताते हैं कि हमें केंद्र सरकार से एक चिट्ठी आई है। वो चिट्ठी ये कह रही है कि हम तीनों एमसीडी को एक करना चाहते हैं और इसलिए आप चुनाव ना करवाइए। हमें भी अचंभा हुआ, हम भी चलिए पॉलिटिक्स में तो कुछ साल पहले ही आए हैं लेकिन इस देश की राजनीति को तो बहुत सालों से देख रहे हैं। हमने टीएन सेशन जी जैसे भी इलेक्शन कमिश्नर देखे हैं जिनका भारत में नहीं पूरी दुनिया में उनकी चर्चा होती है। ये तो पहली बार सुनने को मिला कि सरकार इलेक्शन कमीशन को बता रही है कि आप चुनाव करवा सकते हो या नहीं करवा सकते हो, क्योंकि हमारी तो देखिए जो थोड़ी बहुत कॉन्स्टिट्यूशन की समझ है, ये अधिकार तो हमारा संविधान इलेक्शन कमीशन को देता है, ना कि पीएमओ को, ना होम मिनिस्टर के ऑफिस को। तो वो चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि चुनाव मत करवाओ। हम भी ये सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि अगर यूनिफिकेशन ही करवानी थी तो ऐसा थोड़ी है कि जैसे अभी विजेंद्र गुप्ता जी बता रहे थे कि जी बहुत बहुत प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन में, चलती नहीं है 3 अलग अलग एमसीडी, बहुत समस्या आती है। तो ऐसा तो है नहीं कि एमसीडी में भी 15 साल से भाजपा की सरकार है, उन्होंने यूनिफाइड एमसी भी देखी है, उन्होंने ट्राइफर्केटेड एमसीडी भी देखी है, पिछले 7 साल से केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। अगर भाजपा को एमसीडी चलाने में इतनी दिक्कत आ रही थी तो पिछले 7 साल से हमें कभी यह सुनने को क्यों नहीं मिला? क्यों हमारे जो साथी विधायक यहाँ पे बैठे हुए हैं बहुत मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग तरह की तख्तियां लेके आते हैं, कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि जी यहाँ पे विधेयक लेके आइए एमसीडी को एक किया जाए, हमें बहुत परेशानी हो रही है। इनके पार्षदों ने कभी केंद्र सरकार को पत्र नहीं लिखा, इनके यूडी मिनिस्टर, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उन्होंने कभी टीवी पर आकर नहीं कहा कि हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये फिर रोज न्यूज़पेपर में अलग अलग स्टोरी प्लांट करते थे कि हमें यूनिफिकेशन की क्यों जरूरत है। तो रोज एक अलग अखबार में एक अलग कहानी आती थी कि जी बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म किए जाएंगे, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 को एक कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म हम करने वाले हैं। तो एक दिन ये स्टोरी आई कि जी मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन होगा, तो 1-2 दिन तक खबर में ये बात चली कि अच्छा जी हो सकता है मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन हो। फिर एक दिन ये खबर प्लांट हुई कि बिल्कुल कैबिनेट की तरह पावर दी जाएगी, मेयर इन काउंसिल का गठन होगा, तो एमसीडी को जो अभी स्टैंडिंग कमिटीज वगैरह के माध्यम से काम करने में दिक्कत आती है वो दिक्कत भी चली जाएगी। हमने कहा अच्छा जी हो सकता है बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा। फिर ये खबर प्लांट हुई कि एमसीडी के पास पैसे की बहुत समस्या है, तो ऐसे प्रावधान होंगे कि पैसा सीधा केंद्र सरकार के पास आ जाएगा और ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। हो सकता है जी हो जाए। तो आज सुबह जब लोकसभा में बिल पेश हो रहा था तो मैं बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रही थी कि हमें भी जरा सुनने को तो मिले कि जो इतने बड़े बड़े रिफॉर्म होने वाले हैं, इतने बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं एमसीडी में, तो क्या बदलाव आएंगे। तो जी बिल पेश हुआ, मुझे हम बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे कि जी अभी पहला क्लॉज है अब कुछ आएगा, अब दूसरा क्लॉज है अब कुछ आएगा, लेकिन पूरा बिल पेश हो गया। अध्यक्ष महोदय उस बिल में एक भी रिफॉर्म नहीं आया। कुल मिलाकर वो बिल सिर्फ 3 चीजें कहता है, मतलब बड़े सारे पन्ने और बड़े सारे आप उनके क्लॉजेस सुनते रहिए, वो बिल सिर्फ 3 चीजें कहता है। वो एक चीज ये कहता है जी 3 अलग अलग एमसीडी थी, वो 3 होके 1 हो जाएंगी। अच्छा ठीक है जी,
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह था कि जी तीन सदन में वहां के पार्षद बैठते थे, अब एक सदन में बैठने लग जाएंगे। तो इससे क्या सुधार आया, ये स्पष्ट नहीं हुआ। फिर इन्होंने इनका दूसरा उसमें एक रिफॉर्म है कि जी पहले 272 वार्ड होते थे, उनको चलाने में बड़ी दिक्कत होती, अब हम एक बहुत बड़ा बदलाव करके 272 से 250 वार्ड पे ले आएंगे, ये कहा उस बिल ने। तो जी 272 से 250 में क्या अंतर हुआ, उसमें क्या रिफॉर्म हुआ, ये नहीं समझ में आया। फिर असली मुद्दा उसके बाद आया, असली मुद्दा उसके बाद ये आया कि अब इस सारी प्रक्रिया में जब तक फिर से चुनाव नहीं होता तब तक केंद्र सरकार एक वाइसरॉय नुमा, एक एलजी नुमा अपना एक अफसर बिठाएगी जिसका नाम होगा स्पेशल ऑफिसर, जो आने वाले कुछ सालों तक एमसीडी को चलाएगा। तो अब समझ में आया उस क्लॉज से कि जो पूरी कवायद हो रही थी ये सिर्फ दो कारण से हो रही थी। पहला कारण क्या था कि जी ये तो सबको पता है कि भाजपा ने क्या बढ़िया काम किया है पिछले 15 साल से, दिल्ली को इतना गौरव प्राप्त हुआ है, तीन तीन कूड़े के पहाड़ों का, दिल्ली को इतना गौरव प्राप्त हुआ है कि आपकी केंद्र सरकार की जो स्वच्छ रैंकिंग्स हैं उसमें नीचे से पहले नंबर पर दिल्ली की दो एमसीडी आई हैं, तो बहुत गौरव प्राप्त करवाया है भाजपा शासित एमसीडी ने। तो भाजपा को पता था कि अब जब चुनाव होगा तो लोग तो उन्हें निकाल कर बाहर फेंकने वाले हैं, तो उन्होंने सोचा जी चुनाव तो जीत नहीं सकते, चुनाव जीतने का कोई तरीका नहीं है, चुनाव को बस डिले करवा दीजिए। तो कुल मिलाकर 272 से 250 वार्ड लाने में क्या होगा, उससे एक डीलिमिटेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। और जैसा हम सबको याद है 2017 के चुनाव से पहले डीलिमिटेशन हुई थी, और उस डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को करने में 1.5 साल का समय लगा था। तो अब इस बिल के तहत कम से कम 1.5 साल का समय लगेगा, जब तक नए वार्ड बनेंगे, तो 1.5 साल तक लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव होना था वो 1.5 साल तक टल गया। दूसरी बात, अब जब तक 1.5 साल तक चुनाव नहीं होता तब एक गैर लोकतांत्रिक अफसर, जो किसी ने चुन के नहीं भेजा, जो किसी इलेक्शन से नहीं आया, उसको केंद्र सरकार यहां पर बिठा देगी, जो अब तीनों एमसीडी को चलाएंगे या एक एमसीडी को चलाएंगे। तो भाजपा का कुल मकसद इतना ही है कि चुनाव ना करवाए, भाजपा का मकसद इतना ही है कि कैसे चुनावी प्रक्रिया को रद्द करके गैर लोकतांत्रिक तरीके से शासन चलाया जा सकता है। और अध्यक्षा महोदय, डर हमें इस बात का नहीं है कि चुनाव में हार जीत किसकी होगी, इन्होंने इतना शानदार शासन किया है 15 साल का कि चुनाव तो ये जब भी करवाएंगे, जीतना तो आम आदमी पार्टी नहीं है। समस्या दूसरी है, समस्या ये है कि आज जब ये एमसीडी का चुनाव हार रहे हैं, जब इनकी एमसीडी के चुनाव में जमानत जब्त होने की हालत आ गई है, तो ये एक बिल लाके चुनाव को पोस्टपोन करा देते हैं, कैंसिल करा देते हैं। जब किसी राज्य का चुनाव हार रहे होंगे तो राज्य का चुनाव रद्द करवा देंगे, जब लोकसभा का चुनाव हार रहे होंगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को बदल देंगे और लोकसभा का चुनाव कैंसिल करवा देंगे। ये समस्या है भाजपा की। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि इस देश की जनता बहुत समझदार है। इन्होंने पहले भी एक ऐसा प्रयास किया था 2014 में दिल्ली में, जब इन्होंने राष्ट्रपति शासन जब ये लेके आए थे, जैसा आज हमारे भाई सौरभ भारद्वाज जी ने आपको सुबह बताया, और मैं वही बात याद करवाना चाहूंगी कि आपका ये प्रयोग सफल नहीं होगा। पिछली बार भी आपने जितने दिन तक चुनाव टाला, 2013 में जब चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी की 28 सीटें आई थी। जब एक साल तक आपने गैर लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया तो दिल्ली की जनता ने भाजपा के मुंह पे तमाचा मारा और आम आदमी पार्टी को 67 सीटें दी और भाजपा को 3 सीटों पे लेके आ गई। आज चुनाव होता एमसीडी का तो हो सकता है कि 10-20 सीट आप जीत भी जाते। अब आप चुनाव को एक साल बाद करवाएंगे, ये मेरा आपसे दावा है कि जैसे सिंगल डिजिट में आप इस विधानसभा में रह गए हैं, दिल्ली की भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर आप सिंगल डिजिट से ऊपर उठ जाएं तो हम अपनी राजनीति छोड़ देंगे, ये मैं आपको बताऊं। शुक्रिया अध्यक्ष।